लड़ाई होती है। आजकल तो बहुओं की आपस में सासों के साथ होती है, बहनों की आपस में ऐसी होती है जैसे दुश्मनी हो, और बाप बेटा तो ऐसे लड़ रहे होते जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हो। ना इत्तेफाकी तो हर घर का आज मिजाज बन चुका है। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें बताता, क्या तुम वहां परेशान नहीं होते? वो बात ठीक है, हम उसे वापिस ना चाहते हैं। अब बताएं करना क्या है? भाई आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम सर हम फादर जी से बात करेंगे, उन्हें कहेंगे कि आपके लिए आपकी फैमिली के लिए पाक कुर्बानी चढ़ाएं, और कल हम कदर घंटे में जाके वहाँ पे प्रे करेंगे कि आपका बेटा जल्द सर लौट आए। आप परेशान ना हो। बदलाने आया हूं, मैं बिगड़ा हुआ एक इंसान, बस और क्या कहूं। बाप के घर की बात ही कुछ और थी, हर रोज साफ सुथरे कपड़े, खाने को अच्छा खाना मिलता था, वहां के तो जानवर भी इतना अच्छा खाना खाते हैं, और मैंने अपनी क्या हालत बना ली है। वहां के तो नौकर भी मुझसे अच्छे थे, और मेरा बाप बहुत अच्छा आदमी है, प्यार से भरा हुआ, रहम से भरा हुआ। मैंने उससे अपने हिस्से के पैसे मांगे, उसने उसने मुझे दे दिए। उसने एक बार भी नहीं मुझे कुछ कहा, इतना प्यार करता है। बाबा बाबा सारे पैसे गए मेरे, शराब पी ली है, नशे कर लिए है, जुआ बर्बाद हो गया हूं, क्या करूंगा। आज इस जगह पर आकर पड़ा हूं, जहां पर खाने की दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है, क्या करूं। समझ नहीं आती अपनी हालत पर, हंसू या रो। तो दोस्त कहने वाले सब कुछ तो ले उड़े, सिर्फ एक मेरे बाप की मोहब्बत की अपनी बची, मैं क्या करूं। आजकल ये खाना खाओ, इससे अच्छा खाना तो मेरे बाप के घर के नौकर खाते हैं, मुझे ये खाना दे के जा रहे हो। मैं जाऊंगा अपने बाप, मैं उससे माफी माफी मांगूंगा, कहूंगा मुझे माफ कर दे, मेरा बाप है,
उसके दिल में बहुत मोहब्बत और रहम भरा हुआ है, वो जरूर मुझे माफ कर देगा। इस तकलीफ से जान निकल रही है, मैं अपने बाप के पास आऊं। मैं अपने बाप के घर जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं अपने बाप के घर। दिल दुखा रहा है, मैं लौट रहा हूं अपने बाप के घर जा रहा हूं। मुझे माफ जरूर करेगा, वो रहम जरूर दिखाएगा मेरा बाप। छोड़कर कहाँ चला गया था, तुझे जरा भी ख्याल नहीं रहा कि तेरे बगैर तेरा बाबा क्या करेगा। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था, मैंने जीते जी तुम्हें मार दिया, अपना हिस्सा मांगकर जीते जी तुम्हें मार दिया। मुझे मैं माफी के लायक नहीं, मुझे बस नौकर बना के रख लो। मैं नौकरी कर लूंगा कोई अच्छी सी, मैं आपके पास आपके घर सफाई कर लूंगा। तू बेटा है और तू बेटों की मानिंद ही मेरे घर रहेगा। तुझे बहुत सर्दी लग रही है, डर नहीं, तेरे बाप तेरे साथ है। मैं तेरे सारे बुरे कामों को माफ करता हूँ। मुझे खुशी है कि तूने अपना इतराफ किया, अपने गुनाहों का एतराफ किया मेरे लाल। लेकिन मुझे मुझे कहीं कोने में रखे, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया, मैंने खुदा का दिल दुखाया, तेरा दिल दुखाया। बाबा मैं माफी के लायक नहीं हूँ बाबा, मुझे नौकर बना के रख ले, मैं इन सब खुशियों के लायक नहीं हूँ बाबा। ठीक है, ये तेरी मर्जी है, तू नौकरों की तरह जीना चाहे तो नौकरों की तरह जी, लेकिन मैं तुझे अपने बेटों की तरह रखूंगा। मैं तुझे पहले से भी ज्यादा प्यार दूंगा, क्योंकि अभी तू कमजोर है और तुझे ज्यादा मेरे प्यार की जरूरत है। मैं कहता हूं कि तेरे इस वक्त तेरे पैरों में चप्पल होनी चाहिए, तेरे इन उंगलियों में अंगूठी होनी चाहिए। ए मेरे बेटे, नहीं बाबा, शालिम तुमने मत है, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, थक गया होगा, कुछ लाऊं तेरे लिए। बाबा मैंने देखा कि यहाँ पर ज़ियाफ़त का इत्तमाम किया गया हुआ है। हाँ, तेरा छोटा भाई घर लौट आया बाबा है। यही तो बात है कि जब अपना सारा माल दौलत हर चीज लेके जब इस शहर को हमें और तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया, तो फिर वापसी उसे कबूल क्यों क्यों क्यों? बेटा मैं जानता हूँ कि वो चला गया था, उसने उसका बहुत दुख उठाया है, लेकिन क्या ये वाजिब नहीं था कि उसके जश्न का एहतमाम किया जाए? नहीं बाबा, ऐसे गुनाहगार को माफी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे गुनाहगार को माफी नहीं मिलनी चाहिए। मेरे बेटे, अगर जिस्म के किसी हिस्से पर जख्म आ जाए तो उसे काट कर फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी मरहम पट्टी की जाती है। रहम एक मरहम की तरह है, वो ना कि जख्म के दर्द को कम करता है बल्कि इसको एक कुव्वत भी देता है, एक कुव्वत इरादी, जिससे वो अपनी असल शक्ल में वापस आ सके। बाबा मैंने आपकी कितनी खिदमत की है, जब आप मुझे कहते खेतों में जा कारोबार को संभाल, मैं आपके ताबे रहूं, लेकिन ये बेटा जो गुनाहगार सब चीजें छोड़ के भाग गया था, तो इसके लिए रहम का ऐसा दरवाजा खोल दिया है कि जब भी वो इस रहम के दरवाजे से दाखिल हो तो बार बार माफी और रहम पाए। बेटे तू ठीक कहता है, तूने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने उसके बुरे कामों की वजह से भी उसे अपनाया, लेकिन बेटा जो मेरा है अब वो तेरा ही तो है। मैं जानता हूं कि तेरा छोटा भाई गुनाहों की वजह से यहां से बहुत दूर चला गया,
वो ऐसी भीड़ में फंस गया था जिसमें हम सब फट जाते हैं, लेकिन अब वो वापस लौट आया है। और ये तो कलामे मुकद्दस में भी लिखा है कि जब एक गुनाहगार वापस आता है तो आसमान पे जश्न किया जाता है। तो क्या ये वाजिब नहीं था कि वो जश्न जमीन पर भी किया जाए, वही एहतमाम जमीन पर भी ना किया जाए? ठीक है बाबा, मैं इसका इकरार करता हूँ कि मैंने अपने छोटे भाई को सच्चे दिल से माफ नहीं किया। मैं कल ही जाके मास्टर जी से मिलूंगा और फादर जी से मुलाकात करके इतराफ का टाइम लूंगा, और मैं सच्चे दिल से जाके अपने आप को कहन के सामने इतराफ करूंगा ताकि वो मुझे पाक और साफ करे खुदा की मोहब्बत, ताकि मैं अपने छोटे भाई को सच्चे दिल से कबूल कर सकूँ। अब तो नहीं जाएगा, तू अपने छोटे भाई को लेके जाएगा ताकि वो भी अपने गुनाहों का इतराफ करे। जिस तरह तू अपने लिए पाकीजगी चाहता है, उसी तरह अपने दूसरे भाई के लिए भी पाकीजगी चाह, क्योंकि ये तेरा मेरा हम सबको बर्बाद कर देगा, क्योंकि आसमान तक की बादशाही हम सबके लिए। चल मेरे बेटे, जश्न का। ठीक है बाबा, मैं भी सुनील के साथ मिलके जीसस यू ज्वाइन करूंगा बाबा, जीसस यू ज्वाइन करूंगा बाबा।